बैजनाथ में पिछले कई दिनों से चुनाव को लेकर दोनों पक्षों में कश्मकश चली हुई थी, लेकिन गुरुवार को इन दोनों पदों के लिए हुई चुनाव में रुचि कपूर ने कांता देवी को एक मत से हराकर व आशा देवी ने अनीता सूद को एक मत से हराकर ये चुनाव जीत लिए। इन चुनावों में सबसे रोचक पहलू नोटा रहा। एक पार्षद ने उपाध्यक्ष के मत में नोटा का प्रयोग किया। वहीं वार्ड नंबर 3 से रुचि कपूर को 6 मत पड़े और वार्ड नंबर 6 से कांता देवी को 5 मत मिले। वार्ड नंबर 11 उपाध्यक्ष पद के लिए आशा कुमारी को 6 तथा अनीता सूद को 4 मत और 1 मत नोटा पर पड़ा। दोपहर करीब 12 बजे इन पदों के लिए वोटिंग प्रक्रिया चुनाव अधिकारी तहसीलदार विचित्र सिंह ठाकुर की अध्यक्षता में शुरू हुई। करीब 3:30 बजे इन चुनावों के परिणाम एसडीएम कार्यालय में निकाले गए, जिसमें इन दोनों महिलाओं ने नगर पंचायत की सरदारी की कमान अपने हाथों में ली। नवनियुक्त अध्यक्ष रुचि कपूर व उपाध्यक्ष आशा देवी ने बताया कि फिलहाल वे किसी भी पार्टी के समर्थन में नहीं है और न ही उन्हें किसी पार्टी का समर्थन मिला है। उन्होंने कहा कि बैजनाथ पपरोला नगर पंचायत में अधूरे पड़े कार्यों को जल्द पूरा करना उनकी प्राथमिकता होगी। उन्होंने कहा कि बुराली कोठी में जल्द ही डंपिंग साइट में कूड़ा संयंत्र लगाकर बैजनाथ पपरोला की कूड़े करकट की समस्या से भी निजात दिलवाई जाएगी। जनता का धन्यवाद जिन्होंने पार्षद बनाकर हम यहाँ पर आए हैं, तभी हम इस काबिल हुए हैं। और अध्यक्ष के लिए मैं सभी उन पार्षदों का धन्यवाद करना चाहूँगी जिन्होंने इस पद में सभी और जो कार्य का है वो मैं उनकी उम्मीदों पर पूरा आऊँगी, दिखाऊंगी, पूरा उतरने की कोशिश कर रही हूँ। कोठी उसके लिए मेरे ख्याल से सिलेक्ट कर ली गई है और वहाँ पे मॉडर्न तरीके से बनेगा, मॉडर्न तरीके से वहाँ पे ये डंपिंग साइट बन रही है, वहाँ पे नई मशीनों का मतलब लगाएंगे, नई मशीनें लगाई जा रही हैं, डिस्पोजेबल मशीन लगेगी और एशेज वगैरह उसमें ऐसी मतलब न्यू टेक्नोलॉजी आई है कि जिससे हमें ऐश मिलती है वो डिस्पोज करने के बाद। आज जो नगर पंचायत बैजनाथ पपरोला के अध्यक्ष व उपाध्यक्ष का जो चुनाव हुआ है वो जो विधि वर्षा हमने पूरा कर लिया है, इसमें चुनाव के उपरांत जो रिजल्ट घोषित हुआ उसमें श्रीमती रुचि कपूर जो है चुनी गई है और श्रीमती आशा कुमारी जो उपाध्यक्ष चुनी गई है।